करनाल में शनिवार को कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। सभी हरियाणा से बाहर जाकर वापस आने वाले हैं और कोरोना पॉजिटिव आते ही इन्हें शहर के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया गया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एक मामला इंद्री के खेड़ा गांव के युवक का है जो नोएडा से वापस आया था। शुक्रवार को इसका टेस्ट किया गया तो आज यानी शनिवार को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अन्य 3 मामले चमन गार्डन करनाल के हैं। तीनों एक ही परिवार के हैं और कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में दिल्ली गए थे। पिछले सप्ताह यह वापस आए तो एक व्यक्ति में बुखार के लक्षण दिखाई दिए। मेडिकल कॉलेज में टेस्ट करवाया तो वह कोरोना पॉजिटिव मिला। उसके साथ परिवार के 2 अन्य सदस्यों का भी टेस्ट हुआ और वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी 4 का मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू कर दिया गया है। जो व्यक्ति इनके संपर्क में आए हैं उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक कोरोना केसों की कुल संख्या 27 हो गई है। इनमें से 15 ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। एक व्यक्ति की पहले ही मृत्यु हो गई थी। शेष 11 एक्टिव केस हैं और सभी हरियाणा के बाहर से वापस आने वाले हैं। उन्होंने जिला के लोगों से आग्रह किया है कि बहुत ही जरूरी कार्य हो तभी बाहर जाएं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से अपना बचाव रखें। उन्होंने जिला वासियों से यह भी अपील की है कि यदि उनके पड़ोस मोहल्ला या वार्ड में किसी भी व्यक्ति के अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दे या कोरोना संदिग्ध लगे तो उसकी सूचना जिला प्रशासन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन या संबंधित SHO को दें। गांव हो या शहर, सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को साबुन से कई बार साफ करें। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और एक महामारी का रूप ले चुका है। यदि लोग सावधानी रखेंगे तो इससे बच पाएंगे। किसी को भी जुकाम, खांसी, बुखार, शरीर टूटने जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज जाएं और अपनी जांच करवाएं। और इनको बुखार हो रहा है, इन्होंने टेस्ट करवाया है और इनके माता पिता भी पॉजिटिव आए हैं, तो बाकी डिटेल्स अभी हम इनसे डिटेल में बात करके फिर लेंगे। क्योंकि मैम एक जानकारी मिली है कि इन्होंने शॉप भी ओपन करी थी कपड़ा मार्केट की, तो हम अभी इनसे कंफर्म कर रहे हैं कि इनके पिताजी शायद शॉप खोलने गए होंगे क्योंकि ये खुद तो नहीं गए हैं, जी जी, बीमार थे। तो तीनों पॉजिटिव है मैम? तीनों पॉजिटिव है। तो लोगों से मैम क्या अपील करेंगे? काफी लोग हैं जो आते ही टेस्ट नहीं कराते जैसा कि इस केस में देखा जाता है, तो इसी कारण जैसे अपील करेंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पहली बात तो वो घर पे क्वारंटीन रहें और इमीडिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट को बताएं कि वो आ गए ताकि हम आगे के लिए उनको बता सके आगे। मतलब सबसे पहले तो घर ही ना जाए ताकि दूसरे भी संक्रमित हो सकते हैं। अगर घर ना जाए तो वो बेहतर है, पर अगर किसी वजह से पहले ही पहुंच गए तो इमीडिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट को संपर्क करें ताकि उनका टेस्ट उनको बताया जा सके, टेस्ट करवा के और आगे क्या करें। तो कितनी एज है मैम इन तीनों की? एज अभी आप सबको मेरा नमस्कार। आज 23 मई 2020 के बारे में करनाल जिले से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे जिले में टोटल 4 कोरोना के केसेस आए हैं। उनमें से जो पहला केस था वो खेड़ा गांव से है, इंद्री सब डिवीजन में। ये एक युवक का मामला है जो नोएडा से वापस लौटा था और जब यहाँ पर उसका कल जाँच की गई तो वो पॉजिटिव निकला। इसके अलावा जो 3 केसेस हैं वो करनाल शहर के चमन गार्डन एरिया से संबंध रखते हैं। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं और ये पिछले हफ्ते दिल्ली किसी कार्यक्रम में गए थे और जब वो पिछले हफ्ते वापस लौटे तो आज उन्होंने उनमें से एक के बुखार आने की वजह से, लक्षण आने की वजह से जब टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आए हैं। इन 4 लोगों को हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है, उनका इलाज शुरू हो गया है। जो जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्टिंग करवाई जाएगी और जो संबंधित एरिया हैं इनको सील करके कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इस प्रकार से करनाल में अब तक टोटल कोरोना के केसेस की संख्या 27 हो गई है। इनमें से 15 मरीज हमारे ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और जो एक्टिव केसेस हैं वो 11 हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है करनाल में ज़्यादातर केसेज वो हैं जो हरियाणा के बाहर से वापस लौटे थे, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि बहुत ही जरूरी कार्य से ही स्टेट के और अपने जिले के बाहर जाएं, अदरवाइज अपने घरों में ही रहें। और अगर आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसा आता है जो किसी दूसरे स्टेट से ट्रेवल करके आया है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर को दें, अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और SHO को दें ताकि उनकी स्वास्थ्य जाँच कराई जा सके। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हैंड वॉश करते रहें। आप सबको मालूम है कि कोरोना महामारी पूरे दुनिया में एंडेमिक के रूप में फैल चुकी है और अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इन प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को, अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अगर किसी को भी
कोरोना बीमारी के लक्षण आते हैं, चाहे बुखार आना हो, चाहे गला खराब हो, जुकाम खांसी, शरीर का टूटना, सांस लेने में तकलीफ, तो तुरंत कल्पना चावला मेडिकल को ले जाएं और वहां पे अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.